नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रदेश में जादू अभी भी बरकरार है। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझानों से तो प्रतीत हो रहा है। दरअसल कोलकाता नगर निगम यानी KMC चुनाव के 144 वार्डों के लिए मतगणना मंगलवार यानी आज सुबह से जारी है। शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। TMC ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। वहीं BJP और कांग्रेस जैसे अन्य दल TMC के आसपास भी नहीं है। सुबह करीब 9:30 बजे तक के रुझानों के आधार पर TMC 88 सीटों पर आगे है। TMC की ये बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले के रुझानों में TMC 63 सीटों पर आगे थी, जो बढ़कर 88 पहुंच गई है। वहीं BJP अभी भी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट 2-2 सीट पर आगे चल रहे हैं। बता दें कि KMC चुनावों के लिए रविवार को वोट डाले गए थे। 40 लाख से अधिक मतदाताओं में से 63% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। हालांकि इस दौरान 2 बूथों पर बम फेंकने सहित हिंसा की छुटमुट घटनाएं भी सामने आई थी। BJP और CPM ने KMC चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोप में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हाईकोर्ट में 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। BJP, कांग्रेस और CPM ने समूचे KMC चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ पुनर्चुनाव कराने की भी मांग की है। बता दें कि साल 2015 में हुए कोलकाता नगर निगम के चुनाव में TMC ने 144 सीटों में से 114 पर जीत हासिल की थी। 15 सीटों के साथ CPM दूसरे स्थान पर रही थी। BJP को 7 सीट मिली, जो 2010 के 3 सीट के मुकाबले कुछ ज्यादा थी। वहीं कांग्रेस को 2010 में 8 सीटों के मुकाबले 2015 में 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।